इस वीडियो में मैं बच्चों आपको बड़ा अच्छा टेक्निक नॉर्टन थ्योरम बताऊंगा और हमें यहाँ पे करना यह है कि वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस आई, जिसको हमने लोड रेजिस्टेंस कह रखा है। तो बेटा इसका पहला स्टेप ये होता है कि जो भी लोड रेजिस्टेंस है, देखो लोड रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जिसके थ्रू आपको करंट निकालना होता है या जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना होता है। तो यहाँ आपको 2 ओम के अक्रॉस निकालना है तो इसको लोड रेजिस्टेंस बोल दिया। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको हटा के शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। इसको अपन करेंगे शॉर्ट सर्किट और टू ओम था ये, शॉर्ट सर्किट कर, और यहां से अब शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, इसको आई नॉर्टन बोलते हैं, नॉर्टन करंट, ठीक है। तो बच्चों अब इसको आप कैसे निकाल सकते हो कि सिंपल आप इसमें लेट सपोज अपन मान लेते हैं कि यहाँ से आई करंट आ रहा है टोटल और उसमें से आई नॉर्टन इधर जा रहा है और इधर से आई माइनस आई नॉर्टन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप केवीएल लगा दो, एक तो इस लूप में, लूप वन में और एक लूप टू में, ठीक है। तो वन में लगाओगे, ए से चलोगे तो आएगा केवीएल इन लूप वन, तो ये आएगा माइनस 4 into I, ठीक है। और फिर ऐसे जाके नीचे आके यूँ आ जाऊँगा प्लस 28 बराबर 0, ठीक है। और इससे I आपको मिल जाएगा 7 एम्पियर। अब लूप टू में लगा दो, लूप टू में आप केवीएल लगाओगे तो आ जाएगा 1 minus 1 into I minus IN minus 7 बराबर 0, ठीक है। तो 7 is equal to minus I plus IN, I की वैल्यू 7 है तो IN आ गया 14 एम्पियर, ठीक है। आई एन कितना आ गया, नॉर्टन करंट 14 एम्पियर। अब स्टेप टू आता है हमारा कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हटाओ, ओपन कर दो और बैटरीज को कर दो शॉर्ट सर्किट। लोड को ओपन कर दो, ठीक है, और इसके टर्मिनल्स को आप नाम दे दो कुछ ए और बी और बैटरीज को कर दो शॉर्ट सर्किट। बैटरीज को कर दिया शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो जिसको आप नॉर्टन रेजिस्टेंस भी बोलते हो, यानी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर नॉर्टन इज इक्वल टू जो 1 और 4 है, ये मुझे दिख रहा है साफ कि पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/5, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 4/5, और जो ये हमने आर नॉर्टन निकाला, अब जो तीसरा डायग्राम है वो ये आपको बनाना है कि एक ये करंट सोर्स जो आई नॉर्टन था, ये रेजिस्टेंस जो आर नॉर्टन आपने निकाला और लोड, ये तीनों पैरेलल में लगाना है, ठीक है। और हमें करंट निकालना है थ्रू लोड रेजिस्टेंस आई,
तो अगर डायरेक्ट करंट डिवाइडर के हिसाब से लिख दूं तो आई होगा आर नॉर्टन अपॉन आर नॉर्टन प्लस आर लोड इनटू आई नॉर्टन, तो आई हो जाएगा आर लोड। जो लोड रेजिस्टेंस था हमारा, वो आपको मैं बता दूं कि वो 2 ओम था, ठीक है बच्चों। तो लोड रेजिस्टेंस 2 ओम था और नॉर्टन रेजिस्टेंस हमारा आया 4/5, 4/5 डिवाइडेड इनको 4/5 और 4/5 प्लस 2 इंटू आई नॉर्टन। आई नॉर्टन हमारा आया था 14 एम्पेयर, तो ये 14 एम्पेयर, तो आई आ गया 4 × 14/14 यानी 4 एम्पेयर। तो ये रिक्वायर्ड करंट आ गया हमारा बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो अब एक और इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है,